हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं वो हमेशा यही विश करती हैं कि उनके गर्भावस्था में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पड़ ही जाता है, तो उस समय क्या करेंगे। तो आज की मैं इस ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। देखिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसको मैंने सेपरेट 11-12 मिनट की वीडियो है वो सब कुछ सेपरेट बनाया है। तो अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, लेकिन मैं नट सेल की बात कर रही हूँ। तो नट सेल में आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस ये समझिए बिना किसी तर्क वितर्क के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको जब भी ग्रहण आता है आपको एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखना है, वो है किसी भी नुकीली वस्तुओं का प्रयोग मत करिए, चाहे वो चाकू हो, कैंची हो, छुरी हो, और चाकू और छुरी तो सेम होती है, चाहे कांटा जो बिनने वाला जो ऊन वाला कांटा होता है, अभी विंटर में बहुत सारी लेडीज़ बिन भी रही होंगी, तो वो सब का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आप राइटिंग का काम करती हैं तो लिखने का भी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो पेंसिल हो, पेन हो, किसी भी चीज़ का नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये चीज़ें आप गांठ पार के रख लीजिए कि ये बिल्कुल 100% है। बहुत सारे बड़े लोगों की जो भी मान्यताएं हैं उनमें जो एवरी कॉमन मान्यता अगर दिखाई देती है तो नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वर्जित होता है। यूँ तो देखिए सूर्य ग्रहण दिन में पड़ता है, लेकिन इस बार ये इंडिया में नहीं दिखाई देने वाला है, इसलिए इसकी ये जो टाइमिंग है वो 7:03 से शुरू होगी शाम में और वो रात में 12:30 के अराउंड यानी कि 12:23 पे ख़त्म होगी। तो ये जो कंप्लीट जो 4-5 घंटे का जो अवधि है, इस समय आप अगर नहीं इस्तेमाल करिएगा तो कोई हर्ज नहीं है। और बहुत सारे लोगों के घर में बहुत तरह की मान्यताएं होती हैं, तो देखिए इतना ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है वही चीज़ें करिए। इसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाई है जो आप कंप्लीट उसको देख लीजिएगा कि खाने के पहले आपको क्या करना है, खाने के बाद क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कंप्लीट वो वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप उसके पहले ही खा लीजिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि गर्भावस्था का टाइम है तो आपको एनर्जी भी चाहिए, फूड भी चाहिए, तो सभी खानों के पहले आप तुलसी का पत्ता रख लीजिए, पीने का जो पानी है उसमें भी तुलसी का पत्ता रख लीजिए। इससे ऐसा माना जाता है कि जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो कम पड़ता है, उसकी प्रभाव मतलब क्षीण हो जाती है, नहीं उसका प्रभाव पड़ता है। रही बात, बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि बाहर नहीं जाना है, तो सोचिए कि ये शाम का वक्त है और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी लेडीज शाम में बाहर नहीं निकलती हैं, तो निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ प्रभाव आपके जो रेडिएशंस होती हैं बहुत हार्मफुल होती हैं, इसलिए मना किया जाता है कि वो आपके गर्भ पे पड़ेगा तो शायद बच्चे को नुकसान हो सकती है। और अगर इमरजेंसी नहीं हो, देखिए इमरजेंसी की बात अलग है कि इमरजेंसी में आपको निकलना ही पड़ता है, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है, मान लीजिए कि इस तरह की इमरजेंसी आ जाए कि आपकी खुद की ही डिलीवरी होने वाली है, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए कि अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लीजिए। चाहे गांव देहातों में भी बाथरूम या किचन बहुत दूर पे होता है, तो बस रेडिएशन से आपको बचना है तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को पूरी तरह से ढक लीजिए कंबल वगैरह से, उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि जाना ना पड़े। अगर बाथरूम है, इमरजेंसी है, तो जाना ही पड़ेगा, या अगर पहले से आप खाना पीना अगर किचन में आपको लाने जाना है तो वो आप पहले ही लेके आइए, पहले ही बना लीजिए। तो इस तरह की कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, अगर किसी तरह की आपसे गलती भी हो जाती है, बड़े लोग आपको बोलेंगे कि ये बड़ा पाप हो गया या बहुत कुछ हो गया, तो आपको ये सब के बारे में नहीं सोचना है। इस समय जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना ही काम करिए। और रही बात, अगर आपको मन में किसी तरह की शंका लगती है तो बस आप एक चीज़ कर लीजिएगा, जिस समय ग्रहण स्टार्ट होता है उसके आधे घंटे पहले ही आपको दीवार पर अपनी हाइट को नाप के एक धागे को चिपका लेना है स्टैंडिंग पोजीशन में, या तो आपके ही नाप का एक डंडा दीवार के आड़े पे आप खड़ा कर सकते हैं। खड़े करने का सिंबल ये होता है कि आप बैठे नहीं हैं, बल्कि आपके बिहाफ में वो डंडा या फिर धागा लटका हुआ है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि ये जो धागा है उसको कहाँ लटकाना है, तो दीवार पे आप लटका लीजिए दरवाजे के पीछे, वो दिखेगा नहीं और उसको कुछ नहीं करना है, आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, एक धागे की तो बात है, इतना गंदा नहीं दिखेगा। सेलो टेप से लंबा लंबा बस उसको चिपका लीजिए, कोई इशू की बात नहीं है। उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाती है या ग्रहण खत्म हो जाता है तो उसको आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पूजा पाठ इस समय नहीं करना है, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि भगवान से आप इतना बस इतने विश्वास के साथ बस प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने और अपने बच्चे की कामना
कर सकते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, बेबी काफ़ी हेल्दी हो, अच्छे से डिलीवरी हो जाए, इसकी स्तुति मन ही मन कर सकते हैं, कोई मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें करिए। ये देखिए ग्रहण का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है। और कहा जाता है ना कि भगवान कभी भी इतना अन्यायी नहीं होता है, एक विश्वास ज़रूर मन में बना के रखिए। कुछ और भी तरह की डाउट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार है। और जो मैंने वीडियो की डिटेल वीडियो बनाई है वो आई बटन पे दे दूंगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।